कि तालाब बनाया गया है, आर्टिफिशियल तालाब है ये, और उसके बीच में ये सुंदर सा सफ़ेद कलर का बौद्ध स्तूप का नरक जैसा फील हमको दे रहा है, और हमें इस ब्रिज को क्रॉस कर स्वर्ग में जाना है। इस यहाँ पे ऐसा पेड़ के ऊपर देख सकते हैं आप, ऐसे गर्दन वगैरह लगा के रखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ थाईलैंड। और यहाँ पे लाने का कारण यह है दोस्तों कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान बुद्ध का ऐसा स्तूप जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, जिसके आगे ताजमहल भी आपको फीका लगेगा, जिसके आगे आपको स्वर्ग भी फीका लगेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं द वाइट टेम्पल में, जो कि चियांग राय में स्थित है। वाट रॉन्ग खून भी इसे कहा जाता है, और द वाइट टेम्पल नाम से भी ये काफ़ी फेमस है दोस्तों। ये उसका कुछ एंट्री गेट है इस तरह से, मतलब यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चे हो, हमको 50 बात पेट करना है और हमको एंट्री मिलती है। एंट्री करते बराबर ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह हमको सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीला आसमान और नीचे पूरा सफ़ेद बर्फ, वाइट ऐसा बर्फ है, इस तरह से फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे ऐसा पेड़ के ऊपर देख सकते हैं आप, ऐसे गर्दन वगैरह लगा के रखे हैं अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ का आर्किटेक्चर ही कुछ अलग है दोस्तों, जैसे कि पेड़ों की जो जड़ें निकलती है उस तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है यहाँ पे। हर तरफ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लेयर्स, सूरज की किरणें जिस तरह से होती है उस तरह से इसका आर्किटेक्चर किया है। इस पूरे बुद्ध स्तूप का हो, मेडिटेशन सेंटर का हो, या यहाँ पे जो भिक्कू लोग रहते हैं उनकी रहने की जो व्यवस्था है वो भी इस तरह से की गई है। हम आगे बढ़ते हैं स्तूप की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घंटी लगाई गई है जिसको हम बजा सकते हैं। कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे घंटी बजाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी तालाब बनाया गया है, आर्टिफिशियल तालाब है ये, और उसके बीच में ये सुंदर सा सफ़ेद कलर का बौद्ध स्तूप काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों, मतलब देखने से ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और शांति मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे ये इस तरह से मछलियाँ है कलरफुल, जो कि मैंने, अगर आप इंडिया में गोल्डन टेम्पल आपने देखे होंगे वहाँ पे भी सेम ऐसे तालाब के बीचों बीच में वो गोल्डन टेम्पल बनाया गया है, इस तरह का ये पैटर्न है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये सही में बर्फ़ से ढका हुआ स्तूप है, मुझे तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे देख के इस सबको, तो काफ़ी सही लग रहा है। चलो देखते हैं आगे बढ़ के। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे दो सिंह बनाए गए हैं ये ऐसे बैल के, और थोड़ा सा हॉरर फीलिंग देने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं आप, हाथ दिख रहे हैं सब बचाव करके, जो फंसे हैं दलदल में फंसे हो या आग की भट्टी में फंसे हो उस तरह से लग रहे हैं। यहाँ से ये ब्रिज पार करके हमें मंदिर में जाना होता है, ये देख सकते हैं आप, मतलब ये नरक जैसा फील हमको दे रहा है, और हमें इस ब्रिज को क्रॉस कर स्वर्ग में जाना है, इस तरह का ये कंसेप्ट इस टेम्पल का है, इस बुद्ध स्तूप का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लोग होते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, एक एक बार का ही देखिए आप, आर्किटेक्चर देखिए यार कितना मस्त, और कितना समय लगा होगा इसको बनने के लिए। मैं आपकी आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि इसको बनाने के लिए काफ़ी समय लगा, मतलब इसका जब निर्माण शुरू हुआ तब ये जो जहाँ पे ये स्थित है ये काफ़ी गरीब स्टेट हुआ करता था, मतलब ये थाईलैंड से काफ़ी 20-30 किलोमीटर की दूरी पर है, चियांग राय ऐसा इसको कहा जाता है। तो इनके पास फंड की कमी की वजह से इस स्तूप का निर्माण काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर 2014 में इसका क्या हुआ कि यहाँ पे भूकंप आया, जिसकी वजह से ये जितना भी बनाया हुआ स्तूप है ना, इतना सुंदर ये पूरा डैमेज हो गया। तो फिर से इसको बनाने के लिए इनके पास फंड नहीं था। इस इतने सुंदर से स्तूप की हालत देखकर यहीं पे जन्मे एक आर्किटेक्चर ने सोचा, जो चियांग राय का ही था, कि इसको वो रिबिल्ड करेगा, इसको रिनोवेट करेगा। उसके लिए उसको फंड की ज़रूरत थी, लेकिन उसने खुद के पैसे लगा कर इस बुद्धा स्तूप को बचाया है, और इसका पूरा आर्किटेक्चर जो कुछ भी इसमें खर्चा किया है उसने खुद अपने पैसों से किया है। तो ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि देखो डेडिकेशन देखो कि इस बुद्धा स्तूप के लिए कितने लोगों के श्रम दान है यहाँ पे, और उस आर्किटेक्चर का भला हो जिसने अपने पैसों से इतना खूबसूरत ये अजूबा बनाया है। दोस्तों हम जैसे अंदर एंट्री करते हैं भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, और उसके पीछे एक भगवान बुद्ध का पोस्टर बना हुआ है, देख सकते हो कैमरे में, काफ़ी सुंदर लगता है वो देखने में, मतलब उसको देख के भी आपको सुकून मिलता है। हम जैसे ही बाहर आते हैं दोस्तों, तो बाहर का आर्किटेक्चर, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ
सिर्फ आपको सफ़ेद ही सफ़ेद दिखते, यहाँ तक कि यहाँ पे जो लैम्प है जो लगाए गए वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब ये इसी पत्थर में वाइट में मिक्स कर दिए, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम इस दुनिया में, ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में स्वर्ग में बैठे हैं ऐसा लगता है। आपको कैसा लग रहा है ये बताइए, मतलब मुझे तो यहाँ पे आके स्पेशली बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत शांति भरा वातावरण है जहाँ तक भी जाएंगे हम। और ये जो देख रहे हैं ये ग्रेनाइट है क्या है समझ भी नहीं आ रहा, पर जो भी कलाकृति की है इन्होंने पत्थर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो कुछ यूनिक लगा है मुझे यहाँ पे, ये कि रास्ता बनाया है कुछ, तो भी घंटी वंटी टाइप का लटका है यहाँ पे, काफ़ी मिलता है, मतलब पैसे देके हमें ख़रीदना होता है और फिर कुछ विश हमको मांगनी होती है तो हमें यहाँ पे ये लटकाना पड़ता है। तो ये सही लगा, चाहिए कुछ विश मांगना है तो हमें यहाँ पे पेन से लिखना पड़ता है, उसका क्या है ये पता नहीं, ऐसा मेटल का एक पत्ता दे दिया, इसी के आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है ये, यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, हमारी विश लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इसको बांध देना होता है। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बांधा हुआ है, तो वो भी एक ज़बरदस्त है। यहाँ पे बांधते हैं हम और देखते हैं आगे कि आगे क्या मिलता है हमें। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो सही है भाई, लोगों की विश पूरी होती होंगी यहाँ पे बांधने से। चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों व्हाइट टेंपल से कुछ दूरी चलने के बाद हमें एक ऐसा भी आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कुछ बना है, यहाँ पे भी ये क्या घंटे वंटे लगाए क्या है ये पता नहीं, ऐसा पेड़ जैसा बना के रखे है, पर दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, वो ज़बरदस्त है, तो ये सही है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ है लोगों की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे एक वो पानी का कुंड बनाया गया है, तो हम उसको पास से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका भी आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब पूरा वो वाइट टेंपल का ही पूरा उसको टेक्सचर जैसा दिया है, तो हर तरफ एक तो गोल्डन दिखेगा या तो वाइट दिखेगा, ये बहुत सही उसका कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से कुछ अलग ही दुनिया में आया ऐसा लगता है हमको, तो सही है भाई। और देखिए यहाँ पे लोग ये जो है कॉइन जो है वो फेंक रहे हैं और यहाँ पे भी विश मांगते हैं, देखिए आप नीचे कितने सारे कॉइन्स जमा हो गए आप देख सकते हैं, तो ये भी एक सही था भाई, मतलब जो जो हमारे इंडिया में होता है वो सब कुछ यहाँ पे भी वो लोग करते हैं, इस तरह से भी वो विश मांगते, चाहे वो धागा बांध के हो उधर या फिर यहाँ पे ये कॉइन फेंक के हो, तो बढ़िया है, चलो इनकी परंपरा जो भी हो सही है। देखते हैं आगे और क्या मिलता है हमको। तो दोस्तों उस जल कुंड से कुछ ही दूरी पर हमें ये एक गैलरी टाइप का मिला है, जहाँ पर हमें कुछ ख़रीदारी करनी हो, टॉयज़ ख़रीदने हो या इस बुद्धा स्तूप से रिलेटेड अगर कुछ लॉकेट्स ब्रासलेट्स जो कुछ भी हो वो सब यहाँ पे मिलता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति नावल ये यहाँ पे इस गैलरी में मिलता है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भगवान बुद्ध का ये स्वर्ग से भी सुंदर बुद्धा स्तूप पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।